छह दिवसीय आस्था यात्रा चार दिन में पहुंची कृषि उपज मंडी कसरावद। पूर्व कृषि मंत्री और कसरावद विधायक सचिन यादव ने बताया कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति से ओतप्रोत इस आस्था यात्रा में मार्ग में आने वाले गांवों के लोग भी सैकड़ों की संख्या में शामिल होकर पैदल चल रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा हर स्थान पर आस्था यात्रा का भव्य स्वागत किया जा रहा है। शिव भक्ति से सभी आस्था यात्रियों को दैवीय ऊर्जा मिल रही है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अरुण यादव ने कहा कि जन कल्याण, खुशहाली और प्रकृति के संवर्धन और संरक्षण हेतु निकाली जा रही इस छह दिवसीय आस्था यात्रा में भक्ति की बयार बह रही है। आस्था यात्री और मार्ग में आने वाले गाँव के ग्रामीणों शिव भक्ति से ओतप्रोत है। आज शुक्रवार को बुराव से प्रारंभ हुई आस्था यात्रा सावदा और ओजरा होते हुए गोपालपुरा में दोपहर भोज के लिए विराम करने के बाद छोटी कसरावद होते हुए 14 किलोमीटर का सफर तय कर शाम को कसरावद पहुंची, जहां गायत्री परिवार, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, कुशवा समाज सहित विभिन्न संगठनों ने आस्था यात्रा का जोरदार स्वागत किया। ये बाबा भोलेनाथ की कृपा है हम सब पर और उन्हीं के आशीर्वाद से ये यात्रा शुरू हुई थी और कल चौथा दिन इस यात्रा का होगा। और जैसा कि पहले ही मैंने कहा था कि हम भगवान से यही प्रार्थना करने के लिए निकले हैं कि सद्भाव, भाईचारा, एकता, जो हमारे देश की एकता खंड का जो मूल हमारा महात्मा गांधी जो हमको दिया था, उसको हम कायम रखते रहें, बना के रखें। और देश, प्रदेश, निमाड़ क्षेत्र, हमारा ये कसरावद क्षेत्र प्रगति करे, उन्नति करे, यही भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने के लिए निकले। और ये सब लोगों का प्यार, स्नेह है हमारे क्षेत्र के लोगों का, और उनसे एक आस्था हमारी जुड़ी हुई है, बरसों से जुड़ी हुई है, पिताजी की जमानत जुड़ी हुई है, उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास हम सब साथी मिलकर कर रहे हैं। डिजाना न्यूज रिपोर्ट, कसरावद। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।